Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, and now we are studying The Rape of the Lock, Canto 4, and on recording it's Canto 4 Part 2, because we have already done with Part 1 of Canto 4, in which we saw that Nome did its work. It went to the underworld. My spleen took one bag and one vial, and now this is a place where he comes back on the earth and finds Nymph, means Belinda. So sunk in Thalestris arms, the nymph he found. So he found the nymph who was sunk in Thalestris arms. Thalestris उसकी friend है Belinda की, जिसको उसने देखा Belinda को कि वो उसकी बाहों में लटकी हुई थी, परेशान थी. Her eyes dejected and her hair unbound. उसके जो बाल थे वो unbound थे, खुले हुए थे, आंखें परेशान थीं, दुख था उनके अंदर. Full over their heads, she, the swelling bag he rent. Sorry, full over their heads, the swelling bag he rent. तो उनके दोनों के सर के ऊपर वो जो swelling bag था, जिसमें आहें भरी हुई थी सारी, वो सारी की सारी उसने इनके ऊपर फेंक दी, और जिसमें वो बेसिकली गुस्सा था, उसके अंदर वो जो नोम भर के लाया था अपने साथ. And all the furies issued at the vent. और तमाम furies निकली उसमें से, जैसा यूलिसियस के बैग में से निकलती थी, इसी तरह तमाम furies उस बैग को जैसे उसने फाड़ा उनके सर पे, तो तमाम furies निकली और इन दोनों के ऊपर गई. Belinda burns more than the mortal ire. तो Belinda को बड़ा सख्त जो है ना गुस्सा आता है, और वो शदीद तरीन गुस्से में बहुत ज्यादा परेशान होती है, तमतमाता है उसका चेहरा, उसकी यानी रंगत सुर्ख हो जाती है. एंड फियर्स Thalestris फैंस आर राइजिंग फायर. और जो Thalestris होती है वो क्या करती है, वो उसकी बढ़ती हुई गुस्से की आग को पंखा जलती है, उसे यानी उसे मजीद भड़काती है. तो Belinda को तो गुस्सा आ ही रहा है, Thalestris मजीद उसके गुस्से पे तेल डाल रही है या जल्दी पे तीली का काम कर रही है. तो ये बेसिकली ऐसा है कि 18th century वुमेन का बताया गया कि उनकी यानी मिस्चीवियस नेचर और लड़ाइयाँ झगड़े दे आर रिप्रेजेंटेड हियर बाय दिस. ओह रेचेड मेड, शी स्प्रेड हर हैंड्स एंड क्राइड. तो यहाँ पे Thalestris ने अपने हाथ खोले और ऊंची आवाज में कहा, ओए बेचारी लड़की, यानी Belinda को कह रही है. व्हाइल हैम्पटन कोर्ट echoes wretched maid replied. और हैम्पटन कोर्ट में उसकी आवाज गूंजती है. Was this for you to care? Took such constant care? The bodkin common essence to prepare. कि तुमने इस दिन के लिए इतनी तकलीफ ली, इस दिन के लिए तुमने अपना बहुत ज्यादा टाइम लगाया अपनी केयर करने में, इतनी मुसलसल केयर तुमने इस जलालत के लिए की. The bodkin तुमने पिंस लगाई, कॉम कंगी की, एसेंस परफ्यूम्स लगाए, to prepare. For this, your locks in paper durance bound. For this, with tottering irons wreaths around. क्या इसलिए तुमने अपने लॉक्स को उन लच्छों में लगाया या उन छल्लों में लगाया? वो आपने देखा हो किसी जमाने में जो कर्लर्स नहीं हुआ करते थे, ये जो जिससे ये स्ट्रेटनर्स होते हैं, ऐसा कर्लर्स भी होते हैं. इससे पहले वो आयरन के बने हुए रोलर्स होते थे, जिनके जिनको सर पे काफी देर रखना पड़ता था, उसको रोल करके बालों को लगा दिया करते थे. सो पेपर ड्यूरेंस पाउंड और आयरन रेस उन्हीं को कहा जा रहा है कि तुमने क्या इन दिनों के लिए इतने ज्यादा तकलीफ ली कि उन्हें अपने सर पे लगा के टॉर्चर लिया. फॉर दिस विथ फिलेट स्ट्रेन योर टेंडर हेड. और इन ऐसे वजन उठाए तुमने अपने नाजुक सर के ऊपर ये दिन देखने के लिए. एंड ब्रेवली बो द टेबल लोड्स ऑफ लेड. लीड यानी तांबे से बने वो जो मटेरियल जो तुमने सर पे बांधी रखा, क्या इस दिन के लिए तुमने ये तकलीफ उठाई? इस दिन के लिए तुमने इंतहाई बहादुरी से ये चीज अपने सर पे बांधी. गॉड्स शैल द रेविशर डिस्प्ले योर हेड. अब क्या होगा? अब वो जिसने तुम्हारे बाल तुमसे छीने, क्या वो उसका डिस्प्ले करेगा पब्लिकली? व्हाइल द फोर्ब्स एनवी एंड लेडीज स्टेयर. गैलेंट्स जो है वो मेल कम्युनिटी वो एनवी करेगी उसको देख के, और लेडीज जो हैं वो स्टेयर करेंगी कि वाह ये देखो ये Belinda के बाल हैं. Honor forbid at whose unrivaled shrine. और इज्जत जो है उसके ऊपर तो हम सारे यानी जिसके कोई मकाम नहीं रखता, यानी कोई सानी नहीं रखता जिसका कोई, यानी ऑनर एक ऐसा श्राइन है जिसका कोई सानी नहीं रखता। ये सबसे इम्पोर्टेंट गॉडेस समझी जाती है। Ease play a virtue all over sex design। इज्जत को बचाने के लिए हमारे तमाम तर ईज, हमारी प्लेयर्स, हमारी वर्च्यूज और तमाम फीमेल जो जेंडर है ये रिजाइन करता है। मीन्स टू से कि ऑनर सबको प्यारी है, इज्जत सबको प्यारी है। यहाँ पे इज्जत के ऊपर हर चीज कुर्बान कर दी जाती है। Methinks already I your stares survey, और वो से कह रही है थलेस्ट्रेस कि मैं जब तुम्हें देख रही हूँ तो तुम्हारे आंसुओं को देखते हुए ऑलरेडी मैं कुछ सोच रही हूँ। ऑलरेडी हियर द हॉरिड थिंग्स दे से, और वो तमाम तर हॉरिबल चीजें जो लोग तुम्हारे बारे में कहेंगे या उन्होंने कहना शुरू कर दिया तुम्हारे बालों के कट जाने के बाद, मैं वो सुनना शुरू हो गई हूँ। अभी इसी तरह लिया जा रहा है जैसे सिर्फ उसके बाल नहीं कटे बल्कि उसकी वर्जिनिटी का लॉस हो गया। इस तरह वो उससे यानी उसको बता रही है कि तुम बड़ी अब फजूल हो चुकी हो, तुम्हारी इज्जत नहीं रही माशरे में। तो कह रही मैं तुम्हारे आंसू जो देख रही हूँ ऑलरेडी उनको देख के मुझे कुछ समझ आ रही है। ऑलरेडी मुझे वो अल्फाज अलकाबात सुनने को मिल रहे हैं, मैं सुन रही हूँ जो कि लोग तुम्हारे बारे में कहेंगे कहते हैं। ऑलरेडी सी यू आर डिग्रेडेड टोस्ट, डिग्रेडेड टोस्ट यानी एक ऐसी दावत जो कि बेकार हो। वो ऑलरेडी तुम्हें यूजलेस समझ रहे हैं, एक बेकार बेइज्जत चीज समझ रहे हैं। एंड ऑल योर ऑनर इन अ विस्पर लॉस्ट, और तुम्हारी तमाम तर ऑनर, तमाम तर इज्जत एक झटके में खत्म हो गई। हाउ शैल आई देन योर हेल्पलेस फेम डिफेंड, इट विल देन बी इनफेमी टू सीम योर फ्रेंड। तो ये देख लें ये उस 18th century वुमेन की एक प्रॉपर अक्कासी हो रही है। वो कहते हैं बद से बदनाम बुरा, तो और अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो यहाँ पे थलेस्ट्रिस को, चूंकि है तो सहेली बेलिंडा की, लेकिन उसे अपनी मुसीबत पड़ गई है, उसे अपनी जानों के लाले पड़ गए। ए प्लस कहते हैं नॉट लकी और अनफॉर्चुनेट। सो वो कह रही है कि अब बताओ मैं तुम्हारी सहेली भी हूँ लेकिन मैं किस तरह तुम्हारी इस इज्जत को डिफेंड करूंगी, यानी किस तरह तुम्हारी इस फेम को डिफेंड करूंगी जो कि अनफॉर्चुनेट थी। और ये तो इनफेमी यानी ये तो काबिल बेइज्जती है कि अब मैं तुम्हारी सहेली कहलाऊं। फिर वो देखो बेलिंडा की सहेली जा रही जिसकी इज्जत लुटी थी। तो यहाँ पे उसने भी हथियार डाल दिया कि भाई इज्जत तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये नहीं होगी तो कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा। इवन मुझे भी अफसोस होगा कि मैं तुम्हारी सहेली कहलाऊं। एंड शेल दिस प्राइस द इनएस्टिमेबल प्राइस, और तुम्हारा ये जो बाल कटे, ये जो बेश कीमत बाल, सॉरी, Exposed through crystal, the gazing eyes, क्या वो क्रिस्टल के अंदर रखे जाएंगे और लोग उसे देखेंगे जिस तरह म्यूजियम में देखते हैं। And heightened by the diamond circling rays, और क्या डायमंड की जो सर्कलिंग रेज हैं उससे उसकी खूबसूरती बढ़ेगी। और that rapacious hand forever blaze, और वो जो एक यानी वो हाथ जिसने इनको तुमसे छीन लिया, क्या उसके हाथों पे तुम्हारे बाल हमेशा चमकते रहेंगे। Sooner shall grass in Hyde Park circus grow, वक्त बदल जाएगा, मौसम बदल जाएगा, घास उगेंगे। And wits take lodgings in the sounds of Bow Street Church की साउंड में लोग वहां पे क्याम भी किया करेंगे जो पढ़े लिखे लोग हैं। Sooner let earth air sea to chaos fall, फिर एक टाइम आएगा हर चीज खत्म हो जाएगी। Men monkeys lapdogs parrots perish all, हर बंदा हर जानवर सब कुछ खत्म हो जाएगा। यानी वक्त एक वो कहना चाहिए कि मरहम है, वक्त होगा तो सब कुछ ठीक हो जाता है। She said, then raging to Sir Plume repairs, और फिर वो गुस्से में सर प्लूम के पास जाती है। सर प्लूम को ना, सर प्लूम इसका बेव है, इसका बिलव्ड, इसका लवर है, और वो भी इनके साथ कार्ड्स की गेम खेला था। बेलिंडा, बैरन, थलेस्ट्रिस और सर प्लूम, बेसिकली सर प्लूम और बैरन थे जिनसे बेलिंडा ने खेला। थलेस्ट्रिस वहां पे मौजूद थी। And bids her beau demand the precious hair. So वो उससे कहती है कि जाओ भाई तुम्हारा यार है बैरन, उससे रिक्वेस्ट करो कि इसके precious बाल वापस करें। Sir Plume of amber snuff box justly vain and nicely conduct of a clouded cane. उसने एक snuff box उठाया हुआ था जो कि बड़ा खूबसूरत सा था, उसके ऊपर clouded cane टाइप के यानी एक इस तरह का पैटर्न बना हुआ था खूबसूरत सा। So with earnest eyes and round unthinking face, उसने एक बिल्कुल एक यानी बुद्धू किस्म के फेस से और बड़ी एक मुतजस्सुस आंखों से। He first snuff box opened then the case, पर उसने snuff box खोला और snuff निकाली अंदर से, snuff किया उसे, sniff किया सॉरी, फिर केस खोला बेलिंडा का and thus broke out, और फिर वो गया बैरन के पास और उसे कहा, My lord, what the devil, ये क्या हरकत की है। Zoons कहते हैं God's wounds, यानी What on earth have you done? इस तरह के एक्सप्रेशन। Damn the lock, लानत भेजो वालों पे। Forget, you must be civil, खुदा के लिए तुम्हें अकल करनी चाहिए। Flag on it, लानत हो इस बात पे। This past jest, ये बात अब मजाक से आगे निकल गई है। नहीं, प्रिथे, I pray you, fox, give her the hair, तो प्लीज उसके बाल उसको वापस कर दो। He said and wrapped his box, उसने कहा और साथ ही अपने जो डब्बी थी स्निफ बॉक्स की वो बंद की ताकि थोड़ा सा ज्यादा इंप्रेशन पड़े, आवाज गूंजे। It grieves me much, replied the pair again, तो बैरन बोलता है जिसको सर प्लूम ये कह रहा था, Who speaks so well should ever speak in vain, बड़ा अफसोस होता है कि तुम जैसा बंदा जो बहुत अच्छा बोल सकता है लेकिन जब भी बोलता है चवल मारता है। But by this lock, this sacred lock, I swear, लेकिन इन बालों की कसम, इन मुकद्दस बालों की कसम, Which shall never join this part, it's parted here, ये कभी भी ये नहीं वो बाल जो कि बड़े मुकद्दस हैं और उन बालों से कभी नहीं मिल सकते जिनसे ये उतारे गए। Which never more its honors shall renew, ना ही वो वाली खोई हुई इज्जत वापस ला सकते हैं। Clipped from the lovely head where late it grew, जो कि उस सर से तोड़ दिए गए जहां पे ये उगे थे। That while my nostrils draw the vital hair, कि जब तक मैं सांस लेता रहूंगा, this hand which won it shall forever wear, और ये हाथ जिसने इनको जीता ये हमेशा इन बालों को पहनेंगे क्योंकि उसने एक रिंग में डाले हुए थे वो बाल। He spoke and speaking in proud triumphant triumph spread, और वो बोला और बोलते हुए एक बड़े मगरूर अंदाज में the long contended honors of her head, उसने वो अंगूठी दिखाई लोगों को बड़े एक फातिहाना अंदाज में, प्राउड अंदाज में, जिसमें उसके सर की इज्जत थी बेलिंडा के, यानी वो वाले बाल जो कि बेलिंडा के थे जो कि उसने एक डायमंड रिंग के अंदर बंद कर दिए थे। बट Umbriel hateful nymph forbears not so, लेकिन Umbriel का भी पेट नहीं भरा था, यानी इतनी उसने जो आग लगाई, लोगों को लड़ाया आपस में, गुफ्तगू हुई, लोगों ने दूसरे को बुरा भला कहा। He breaks a while whence the sorrows flow, उसने वो पहले गुस्से वाला एक वो जो बोरी थी वो फाड़ी, अब उस फ्लोज कर रहे हैं इसमें से सोरोस, तो सोरो वाला वायल इसने फेंक दिया बेलिंडा के ऊपर। Then see the nymph in beauty's grief appears, और देखें फिर बेलिंडा कितनी खूबसूरत लग रही है अपने दुख में। Her eyes half languishing, half drowned in tears, उसकी आंखें कितनी झुकी हुई हैं, कितनी दुख से भरी हुई हैं और कितने उनके अंदर आंसू प्यारे लग रहे हैं। On her heaved bosom hung her drooping head, और अपने सीने पे उसने यानी Thalestris के सीने पे उसने अपना सर रखा हुआ था। Which with a sigh she raised and thus she said, जिसको उसने उठाया और फिर उसने गुफ्तगू करनी शुरू की। Forever cursed be this detested day, हमेशा हमेशा के लिए लानत हो आज के दिन पे। Which snatched my best, my favorite curl away, जिसने मेरा फेवरेट, मेरा खूबसूरत तरीन बालों का जो एक लॉक था मुझसे छीन लिया। Happy, 10 times happy had I been, if Hampton Court these eyes had never seen, मैं खुश होती, मैं आज से 10 गुना ज्यादा खुश होती कि अगर मेरी आंखों ने कभी हैम्पटन कोर्ट देखी ना होती। मीन्स टू से कि ना देखी होती, ना मुझे यहाँ आने का शौक होता, ना बैरन की नजर पड़ती, ना मेरी इज्जत लुटती, ना मेरे बाल कटते। Yet I'm not the first mistaken made by love of goods to numerous ills betrayed, लेकिन मैं पहली, वो अपने आप को कंसोलेशन दे रही कि मैं पहली खातून नहीं हूँ जो कि गलती पे थी, जिसको गलती की सजा मिली। ये महलों की मोहब्बत में बहुत सारे लोग बिट्रे हुए, बहुत सारे लोगों से धोखा हुआ। Oh, had I rather unadmired remain in some lone isle or distant northern land, काश मैं हमेशा unadmired रहती, काश मुझे शौक ही ना होता लोगों की तारीफें सुनने का, दूर किसी अकेले जजीरे में पड़ी होती, किसी नॉर्दर्न लैंड में होती। Where the gilt chariot never marked the way, वो ऐसी जगह होती जहाँ पे ये सोने का पानी जिन पे चढ़ा है वो शरियट्स कभी भी ना गुजरती, ना मुझे पता होता है इनका। वे नन लर्न उम्बर नन एवर टेस्ट बोहे, बोहे मीन्स टी यानी कॉफी, जिसकी वजह से इसकी मुसीबत आई इसके सर पे। वहां पे किसी को यानी वो ऐसा जगह होती नॉर्दर्न लैंड डिस्टेंट आईलैंड जहाँ पे ना कोई कॉफी पीता, ना कोई उम्बर खेलता, ना कोई शरियट्स पे फिरता, ना किसी को ऐसे शौक होते। They kept my charms concealed from the mortal eyes. वहाँ मैं अपनी खूबसूरती को इंसान की आंख से बचा के रखती। Like roses that in deserts bloom or die. उन की तरह, उन फूलों की तरह जो कि दूर दराज किसी सहरा में उगते हैं और वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, वहीं पे विदर कर जाते हैं, कोई उनको प्लक नहीं करता। So मैं काशुस्तरा होती, प्यारी होती, लेकिन लोगों की नज़र से ओझल होती। What moved my mind with youthful lords to Rome? क्या मुसीबत आ गई थी मुझे कि मेरा माइंड मुझे कहता था कि मर्दों की कंपनी में फिरो, मर्दों की कंपनी में उठो बैठो। Or had I stayed at home and said my prayers at home? Or had I stayed and said my prayers at home? काश मैं घर पे रहती और अपनी इबादतें करती, मैं यहाँ पे आती ना। This was a morning omen did foretell. हाँ, सुबह के वक्त मुझे एक ओमन भी फील हुआ, मुझे एक शगुन फील हुआ। Thrice from my trembling hand the patch box fell. जो पैच बॉक्स था मेकअप वाला, वो 3 दफा मेरे हाथ से छूटता हुआ यानी कपकपाते हाथों से गिरा। The tottering china shook without the wind. चाइना का एक बर्तन वो भी बगैर हवा के हिल रहा था। नहीं और से और whole set mute, मेरा जो तोता था वो चुप बैठा था खिलाफे मामूल। And shock was most unkind, और मेरा जो कुत्ता था वो बिल्कुल आज काइंड नहीं था मेरे साथ। A self too warned me of the threats of fate. एक सेल्फ भी मेरे ख्वाब में आई थी और उसने मुझे बताया था कि फेट में कुछ थ्रेट्स आ रहे हैं। In mystic visions, वो मेरा ख्वाब था। Now believe too late, लेकिन अब उस पर मैं क्या यकीन करूँ, अब तो बहुत देर हो गई, पहले मानना चाहिए था। See the poor remnants of these slighted hairs. अब इन बालों के ये बाकी मांदा बाल देखो, यानी कुछ कट गए जो रह गए इनको देखो। My hand shall rend what even thy rapine spares. वो तुम्हारी कैंची जिन बालों को ना काट सकी उनको मैं खुद काट दूंगी। These insatiable ringlets thought to break. मैंने ये 2 लच्छे दोनों तरफ बड़ी खूबसूरती से पाले थे। Once gave new beauties to snowy neck, ताकि मेरी खूबसूरत वाइट गर्दन को मजीद ब्यूटीफाई कर सके। The sister lock now sits uncooked alone. अब दूसरा जो लॉक है वो अकेला है, एक तो तुमने काट दिया, अब जो दूसरा लॉक है वो बेकार लग रहा है। And in its fellows fate foresees its own, और अपने दोस्त की तकदीर अपनी तकदीर समझता कि वो कटा था और मैं भी कट जाऊंगा। Uncurled hangs, इसकी कर्लिंग खत्म हो चुकी है। The fatal shears demands, and it demands कि कैंची आए और इसको भी काट दे। And tempts one more thy sacrilegious hands. So बैरन ये दोबारा तुम्हारे हाथ को बुला रहा है, तुम्हारे उन नापाक हाथों को जिन्होंने पहले मेरे बालों को काटा। ये दूसरा लॉक भी उनको बुला रहा है, टेम्प्ट कर रहा है कि आके इसको भी काट दो। Oh, had thou cruel been content to cease. काश जालिम इंसान, काश तुम थोड़ा सा सब्र कर लेते। Here, here's less insight or any here's but these. कि तुम थोड़ा सा सब्र कर लेते तो तुम्हें मैं बता देती कि तुम क्या कर सकते। मीन्स टू से कि भाई ये जो बाल इतने खूबसूरत नजर आ रहे थे तुमने ये जरूर काटने थे, तुम कहीं और से बाल काट लेते, यानी कोई ऐसे बाल जो कि अपरेंटली नजर नहीं आते, तुम्हें तो बाल ही चाहिए थे ना, तो ये बाल क्यों काटे जो मेरी खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। तो यहाँ पे कैंटो 4 एंड होता है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, the fatal shears demands, uncurled hangs, sacrilegious hands. तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो ये कॉनोटेशन है ये ज्यादातर सेक्सुअल हो रही है, एज इफ के शी वॉज रेप्ड, ये भी इसकी कॉनोटेशन ली जा सकती है। लेकिन अपरेंटली जो उसके बालों की बात हो रही है तो वो कह रही है कि एक तो लॉक तुमने काट दिया, अब दूसरा जो लॉक है इसको मैं खुद काट देती हूँ, या तुम दोबारा अपने नापाक हाथों से इसको काट दो। और फिर वो यहाँ पे बड़ी एक इम्पोर्टेंट लाइन्स कह रही है, hairs less insight or any hairs but these. अब यहाँ पे वो क्या कहना चाह रही है, यहाँ पे वो बेलिंडा के वही एटीट्यूड, जबकि वो फील करती है कि बैरन उसके पीछे, हालांकि वो उसके बाल काटने आ रहा होता है, लेकिन उसे लगता है कि ये मेरी मोहब्बत में आ रहा है। एरियल भी इसलिए छोड़ जाता है इसको क्योंकि उसे लगता है कि इसके दिल में किसी अर्थली लवर की मोहब्बत है, वो बैरन होता है। अब ये बैरन से प्यार क्यों नहीं करती? क्योंकि बैरन से प्यार करेगी तो दुनिया को पता चलेगा, दुनिया को पता चलेगा तो इसकी वैल्यू कम होगी, वो ये नहीं चाहती। हेयर लेस इन साइट और एनी हेयर बट दीज मीन्स कि वो बाल ले लेते जो कि नजर नहीं आते, ये क्यों लिए जो कि नजर आ रहे हैं। दैट मीन्स कि शी वांट्स टू हैव अ हिडन रिलेशन विद बैरन, वो बेशक सेक्सुअल नेचर का हो, वो कुछ भी हो, लेकिन लोगों को ना पता हो, ताकि इसकी जो एक करिज्मेटिक पर्सनैलिटी है लोगों के सामने वो कायम रहे, लोग इसको देखें, लोग इससे खुश रहें, इसकी इसके आगे पीछे हों, वो कभी इसको किसी के ऊपर यानी इसके ऊपर टैग ना देखें बैरन का, और इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहे। तो पियर्स, ड्यूक्स, वो सारे आए, इसके साथ बैठे, डांस करें। तो बेसिकली ये कह रही है कि तुमने अगर कुछ हमला करना था मुझ पे तो अकेले में कर देते, लोगों के सामने क्यों किया? तुमने मुझे प्रपोज करना था तो अकेले कर देते, लोगों के सामने क्यों किया? हमला करना था तो अकेले में करते, लोगों के सामने क्यों किया? बाल काटे तो अकेले में काटते, लोगों के सामने क्यों काटे? सो उसको इज्जत की परवाह ज्यादा है, उसे इस चीज की परवाह नहीं है कि उसकी इज्जत लुट गई है या उसके साथ कुछ गलत हो गया है। अगर ये अकेले में ये काम हो जाता तो ज्यादा बेहतर था। अब लोगों को पता लग गया, इट मीन्स के बद से बदनाम बुरा, ठीक है। तो मैं उस लिहाज से परेशान ज्यादा हूँ कि काश तुम थोड़ा सब्र कर लेते, मेरी मर्जी पूछ लेते, मेरी मर्जी भी तुम्हारे साथ होना थी। ये अलग बात है कि हम सामने साथ ना होते, थोड़ा सा हट के साथ हो जाते, लेकिन साथ होते हम। सो दिस वाज कैंटो नंबर 4 व्हिच हैज एंडेड टुडे।